हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि पटना से बहुत सारा सामान भी आया है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या क्या है। सामान का तो पता नहीं, लेकिन कुछ गिफ्ट उसमें दिख रहा था। पता नहीं वो गिफ्ट कौन भेजा है, क्या है, बस आप लोगों को देखने के बाद वो कैसा लगेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि अभी शाम का वक्त हो चुका है और सब लोग चले गए हैं घर। और आज इतना ज़्यादा मम्मी आज खिलाई है, एक कमेंट आया था कि कहीं पेट गड़बड़ ना हो जाए, तो आप लोग का कमेंट भी गजबे होता है। पेट गड़बड़ नहीं होगा, बहुत मज़ा आया, सब लोग एकदम भर पेट खाया, फल फ्रूट मिठाई बहुत सारा चीज़ था। और मम्मी भी थोड़ा थक गई थी, लेकिन अब जो है अब जाके मम्मी थोड़ा सा रेस्ट ली हैं। और कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मम्मी और पापा जी का कल सालगिरह है, एनिवर्सरी, बहुत बड़ा दिन है। और उसी दिन शादी हुआ था, और शादी होने के बाद जो है हम लोगों का पूरा दुनिया जो ये बना है, यानी उन्हीं का देन है कि हम लोगों को इस दुनिया में आए। तो कल का दिन हम लोग को ज़्यादा ही स्पेशल बनाने वाले हैं। कल हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वीडियो आए क्योंकि बहुत सारा वीडियो जो है हमारे पास अभी रखा हुआ है, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कब डालें। तो एक एक करके आप लोगों को देखने को मिलेगा वीडियो। और सबसे पहले गिफ्ट भी आया है बहुत सारा, अभी आना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले आपको बात करवाते हैं मम्मी से, क्योंकि मम्मी अभी जो है वो कुछ बोलना चाहती हैं कि आखिर शादी से पहले वाला रात मम्मी क्या सोच रही थी दिमाग में, पता नहीं। और उनकी मम्मी भी नहीं थी तो कोई समझाने वाला भी नहीं था, लेकिन हाँ दीदी लोग थी जो कि मम्मी के बराबर थी, मतलब मेरी मौसी लोग। तो चलिए दिखाते हैं वीडियो, और उसके बाद से आज का दिन जब दिन रखाया, यानी कि बहुत स्पेशल दिन के दिन दिन रखाया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब मानना पड़ेगा। मम्मी का नाम है रंजू और उसका नाम है रंजना, तो रंजना को वो लोग सब लोग बोलता है प्यार से रंजू, और मम्मी का नाम प्यार से ही रखाया है रंजू, तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो चलिए दिखाते हैं, वीडियो लेके चलते हैं। आई होप आपको मम्मी का बात बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए, आप लोगों की आंटी कुछ बोलना चाहेंगी, लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइज, यहाँ पे ये लोग गाली दे रहा था, समधी लोग आए थे खाना खाने, तो खाना खिलाया जा रहा था उन लोग को, और हम जल्दी जल्दी खाना निकाल दिए और सोचे कि ये लोग अकेले बैठ के गा रहा है तो घर के किसी सदस्य को होना ज़रूरी है, इसीलिए हम आके बैठ गए और इन्जॉय इन लोग के साथ करने लगे। अच्छा लग रहा था कि मेरे घर शुभ काम हो रहा है, और बहुत बढ़िया लग रहा था, ये लोग झूम झूम गा रहा था, और इन लोग को पैसा भी मिला है गाड़ी के गवाऊनी, तो यहाँ आ गया पैसा, और हमारे समधी जी दिए हैं पैसा इन लोग को, तो सबका होता है इसमें। तो चलिए, और देखिए कितना अच्छा लग रहा था गाड़ी। Oh,
पास वाला दीजिएगा जो कलर मांगे, कलर किसका भी नहीं दीजिएगा। पेन ड्राइव रख लिया है ना, तो गाइस अब वक्त हो चुका था जाने का, शाम का भी वक्त हो गया था। यहाँ पे पापा जी हैं और यहाँ पे सब लोग जाने की समधि मिलन हो रहा है यहाँ पे, और दोनों समधि मिल के प्रणामा पाती हुआ है और जा रहा था लोग, तो एक दूसरे को एक दूसरे के गले मिले लो। और भाई ये अपने गाड़ी से ही लो आए थे, और क्या है कि बेटी के पापा हैं और इतने खुश थे, सब लोग खुश थे, हम लोग भी खुश थे, वो भी खुश थे, क्योंकि मेरे घर का हर ब्लॉग वो लोग देखते हैं, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि दूसरा किसी ने कुछ कहेगा भी तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है, हम और वो लोग अच्छे हैं तो कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए ये हमारे मुखिया जी हैं खेड़ाए के, और ये हम लोग के नहीं लगते हैं कि हमारे ये घर के नहीं है, मेरे बड़े भाई जैसे। हाँ, प्रिंस का बड़े भाई के जैसे लगते हैं, हर जगह कमी पूरा करते हैं। और ये जब इनके पापा का भी तबीयत खराब हुआ था तो गोरखपुर यही लेके गए थे दिखाने, अभी हम नहीं थे तो शायद यही जा रहे। हाँ, यही लेके जाते होते थे दिखाने, तो बहुत अच्छा लगा और खुशी खुशी वो लोग उनको भी पन लगा ही दिया लोग, और हम ही लोगों के स्कूल में ये पढ़ाई भी किए थे। हाँ, तो अभी बीटेक करके अपना स्कूल चलाते हैं, मुखिया हैं, मुखिया के पद पर, इसीलिए पापा जी को अपने गार्जियन की तरह मानते हैं, कोई भी चीज़ होता है तो सबसे पहले सर का बात मानते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और आधा रात को भी ये कॉल करते हैं कि आशीष जी हमको जाना है कहीं, तो तुरंत अपना बेचारा, उनको भी बहुत रिक से मुखिया है तो। और मम्मी बोली थी कि तो अभी देने का सोच रहे का पापा, फ्रीज दिए हैं ना खाली है वो अभी तक रखा है। हाय गाइस, सब लोग चला गया, कैसा लगा आज का दिन? चला गया, और पता नहीं कहीं कोई कमी तो नहीं किया है हम उसमें, लेकिन जो भी किए हैं दिल से किए हैं, और उन लोग को भी अच्छा लगेगा, और हम भी सोचते हैं कि घर पे कोई भी मेहमान आए तो उसको खातिरदारी किया जाए अच्छे से। तो चलिए, और मेरा शादी का दिन कल है 17 अप्रैल, तो आप सबको इनवाइट है मेरे तरफ से, आप लोग आइए। और कल सुबह में हम और इनके पापा चौका पर बैठेंगे, पूजा पाठ होगा, तो आगे देखिएगा लो आप लोग, ब्लॉग बहुत सारा आएगा। तो कैसा लग रहा था शादी के एक दिन पहले, आपको याद है कुछ? शादी जब मेरा हुआ तो 2-3 दिन तो हम अपने मायके ही रहे। शादी के पहले? शादी के पहले हम लोग को कुछ ये सब नहीं मालूम था, हम लोग को केवल यही पता चलता था कि हम अपने घर छोड़ के जाएंगे, पता नहीं वहाँ का लोग कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लेकिन गाइज हम लोग को यहाँ बहुत काम करना पड़ता था, ऐसा नहीं था कि शादी करके जाओ और एकदम आराम से रहो, सबको अपने जैसे समझो, वो सब नहीं था हम लोग के ज़माने में। हम लोग के ज़माने में 5-5 जन का मालिश करना रहता था, मेरी सास ननद जेठानी सबको हम लोग मालिश करते थे। घर जो मेरा था मिट्टी का घर, आंगन था पूरा, उसमें हम आतवार को और मंगलवार को उसको गोबर माटी डाल के पूरा आंगन को हम लिपते थे अपने हाथ से,
और 3 बजे भोर में जगते थे और दिया लेके हाथ से देख के ऐसे ऐसे लिपते थे उसको। तो ये होता था हमारा फैमिली। 2 केजी आटा हम रोज लकड़ी के चूल्हा पे बनाते थे, रोटी सब्जी बना के उन लोगों को खिलाते थे, सास ससुर का सबका सेवा करते थे। और मेरे ससुर जो थे मंदिर बनवाए हैं, 2-2 गो मंदिर बनवाए हैं, वो मंदिर का हमको भी उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करवाना है। तो देखते हैं कब भोलेनाथ बनवा रहे हैं, कब हमको शक्ति दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं कि हम करें, और इनके पापा को अपना आशीर्वाद दें कि वो अपना बने रहें। तो यही बात है कि अब हम लोग अपने फैमिली को लेके चलते थे। आज भी हमारे फैमिली बहुत बड़ा है, 5। आज का दिन रखा है आज आपको, और दिन तो नहीं बता सकते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। कल से बच्चों लोग के लिए मेहंदी वेहंदी सभी लोग कर रहा है, पूजा और ये प्रिंस मिलकर दोनों जन बेटा बेटी कर रहा है लो, तो अच्छा लग रहा है हमको। और आज के दिन डेट जो रखाया है वो यादगार रहेगा कि मेरे शादी के सालगिरह का टाइम पे रखाया था उसका डेट। तो और कुछ हमारे लिए गिफ्ट भी भेजी है, गिफ्ट भी वो भेजी है कुछ, जो आप लोग ब्लॉग में दिखाया जाएगा कि क्या भेजी है। तो बहुत सारा अच्छा लगा उन लोगों को आके यहाँ पे। और तो काफी सोचने के बाद से मम्मी ने डिसाइड किया है कि कौन सा साड़ी पहनने वाली है, तो दिखा दे, दिखा दीजिए। कौन सा साड़ी है मम्मी? कल ये साड़ी हम पहनेंगे, जो आप लोग कमेंट किए थे कि पीला वाला साड़ी आप पूजा के टाइम पहनिएगा, तो इसको कल हम पहनने वाले हैं। और इसका ब्लाउज तो आप लोग देखे ही थे, पार्टी का टाइम खूबसूरत है ये वाला दूसरा पहनेंगे तो। क्योंकि सस्पेंस है, आप लोग बस बने रहिए देखने के लिए, और मम्मी आप लोगों को ट्विस्ट देंगी। बहुत लोग भी बोले हैं कि अंकल जो देंगे साड़ी वो पहनिएगा, तो अब आप पता नहीं अंकल जी क्या देंगे गिफ्ट हमको, अभी वो भी चुपचाप रखे हुए हैं और प्रिंस भी काल के खरीद लाए हैं, तो सब लोग अपना अपना रखा है, हमको देगा कल, देखने नहीं दिए हैं हम लोग। हाँ कल दिखाएगा लोग अपने ब्लॉग में दिखाएगा लोग। ये वाला साड़ी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। और आज का जो दिन था वो बहुत ही ज्यादा मस्त था, और ऐसा देखने में आप लोग को जो भी लगे, लेकिन कल हम पहन लेंगे तो देखिएगा एकदम अच्छे दिखेंगे हम। सो बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग 12 बजे विश कर दीजिएगा आज रात में, हैप्पी एनिवर्सरी।